अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वार अब बढ़ती जा रही है। जहां पहले दोनों देश एक दूसरे के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया था, वहीं अब बात आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को विदेश में बने उन टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से रोक दिया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये कदम चीन की टेलीकॉम नेटवर्क और प्रोडक्ट्स कंपनी हुआवे को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। हुआवे ने अमेरिका के इस कदम का जमकर विरोध किया है। हुआवे ने कदम को अनुचित और अपने अधिकारों के खिलाफ बताया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआवे को अमेरिकी बाजार से रोक लगाने के फैसले पर चीन ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ट्रंप के कदम पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। उनके मुताबिक चीन ने अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के इस फैसले पर गौर किया है। चीन ने हमेशा अपनी कंपनियों को कानून और नियमों का पालन करने और अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा है। चीन ने इंटरनेशनल बिजनेस में हमेशा उनसे दूसरे देशों के नियमों का पूरी तरह पालन करने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सिलसिले में बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश में सीधे तौर पर किसी कंपनी या देश का नाम नहीं है, लेकिन अधिकारी पहले कह चुके हैं कि हुआवे सुरक्षा के लिहाज से खतरा है। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को हुआवे से 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने के लिए कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह आदेश आने वाले दिनों में लागू हो जाएगा। इसके तहत हुआवे को अमेरिकन टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी यानी BIS ने ऐलान किया है कि वो हुआवे टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों को व्यापार के लिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी की सूची में डालेगा। तो यकीनन इससे अमेरिका और चीन के बीच खटास और बढ़ गई है।